आई मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि चैप्टर का थीम बता दिया जाए तो पूरा चैप्टर विद्यार्थी खुद से सोल्व कर देगा। प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ न कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ न कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं तो चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आप बना लें, ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि प्रत्येक क्वेश्चन पे आपकी अच्छी पकड़ हो, उसके टॉपिक को जाने। प्रत्येक क्वेश्चन एक दूसरे से थोड़ा भिन्न जरूर होता है। आज के क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हैं। आज आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे जो कितना कॉम्प्लिकेटेड, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, इस बात को आप जानेंगे। और आज सिर्फ और सिर्फ 14 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छी तरह डील करेंगे। तो आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट बना हुआ है जिसका आंसर दे रहा है 28,000 प्रदीप कैपिटल और सुदीप कैपिटल। तो चलिए, अच्छी बात है कि ओपनिंग कैपिटल मिल गया 28,000, क्लोजिंग कैपिटल भी मिल जाएगा। नीचे बहुत सारे आइटम दिए हैं, एसेट्स और लायबिलिटी, लेकिन ध्यान रहे, सतर्क रहें, जब सेकंड स्टेटमेंट बनाइएगा तो उसमें 3 आइटम फर्स्ट स्टेटमेंट का गायब है। यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट में आइटम होता है वो सेकंड स्टेटमेंट में अवश्य ही होना चाहिए। तो जब आप बनाएंगे सेकंड स्टेटमेंट तो आपका कैपिटल का आंसर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें 3 आइटम गायब है। जैसे ऊपर वाले बॉक्स में है प्लांट एंड मशीनरी, फ्री होल्ड और उसके बाद फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी, फ्री होल्ड और फर्नीचर, ये 3 आइटम ऊपर वाले बॉक्स में से देखकर नीचे वाले बॉक्स में उतारना होगा। यानी 4,000, 12,000 और 1,000, ये तीनों आइटम एसेट्स 1, 2 और 3 सेकेंड स्टेटमेंट में डालने पर ही आपका क्लोजिंग कैपिटल आएगा। अब आगे बात करते हैं, विथड्रू किया है इन लोगों ने 4,000, 3,000 और 1,200। 4,000, 3,000 और 1,200 यानी कुल मिला के 8,200। तो आपका ड्रॉइंग हो गया 8,200, 4,000 प्लस 3,000 प्लस 1,200 यानी 8,200 हो गया आपका ड्रॉइंग। ओपनिंग कैपिटल किताब में दिया है, क्लोजिंग आप निकाल लो, ड्रॉइंग हो गया आपका कितना 8,200, एडिशनल नहीं है। अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन वगैरह बोला है, डिप्रिसिएशन बोला है और इंटरेस्ट बोल रहा है कि आप निकालिए इंटरेस्ट 5%। तो आइए ध्यान दिया जाए, तो अब हम लोग को बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले आप बना लेना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो आ जाएगा आपका 4,200 लॉस। P&L बाई में लिखते हैं इसलिए लॉस को 2 में लिखेंगे, 2 लॉस 4,200। उसके बाद उसमें डालेंगे 2 डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। उसके बाद इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का वर्किंग मैंने बहुत अच्छी तरीके से कर दिया है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी के लिए भी और एस के लिए भी, यानी प्रदीप के लिए भी और सुदीप के लिए भी। प्रदीप का कैपिटल 20,000 था, लेकिन वो 6 महीना बाद अपना कैपिटल में से 4,000 ड्रॉ कर लिया। कैपिटल में से ड्रॉ कर लीजिएगा तो इसका मतलब आपका कैपिटल घट जाएगा। तो पहले 20,000 का मैंने निकाला है 5% 6 महीने तक के लिए। 6 महीने तक कैपिटल उतना ही था, 6 महीने बाद उसमें से निकाल लिया है 4,000। तो 20,000 का 5% 6 महीने के लिए 500, अब आपका कैपिटल घट गया, हो गया 16,000। 16,000 का 5% हो गया सर 6 महीने के लिए 400, यानी दोनों मिला देने पर ये हो गया 900। इसके अलावे अब हमने निकाला सुदीप के लिए, 8,000 का 5% कितना हुआ 400। तो इस तरीके से 2 में बहुत सारा आइटम हो गया, 5,800, बाई में कुछ नहीं है। बाई में कमी का मतलब नेट लॉस, 5,800 रुपये को मैंने बांट दिया 3:2 में। तो ध्यान रहे, आज के क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट नहीं बनाना है, साथ ही साथ सेकेंड स्टेटमेंट को सतर्क होकर बनाना है। उसमें 3 आइटम ऊपर वाला डालना होगा, फ्री होल्ड, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, तब आपका आएगा क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद P&L बनाने होंगे। तो आज के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14, और कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो फाइनल अकाउंट मेथड होगा,
यानी कल की मेथड नहीं होगी, यह मेथड नहीं, ये पुराना मेथड खत्म, और कल से हम लोग इस चैप्टर का नया मेथड पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।